वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा मेरा जिहड़ा टॉपिक है वह है भी किकरां तो मठियाई चढ़दी है जां नहीं चढ़दी, या गुरबाणी धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी मुकम्मल बाणी इस बारे की ख्याल रखती है, की हुक्म साडी झोली विच पातशाह वल्लों पैंदे ने। सब तो पहला नुकता मैं ये रखदा भी इतिहास दे लिखारी दी हर वो गल पासे कर देनी चाहिए, ना प्रचारकों सुनानी चाहिए, ना सानू पढ़ के उन्हों अगे प्रचारना चाहिए जिहड़ी गल नू श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी रिकमेंड नहीं करते, जिहड़ी गल नू गुरु ग्रंथ साहिब जी तस्दीक नहीं करते। साडे कोल मेन सिखी का तुरा की है, रीढ़ की हड्डी की है, साडा बेस की है, गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी रिकमेंड करती है पढ़ो भी प्रचारो भी, तो जे गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी उस गल नू रिकमेंड नहीं करती तो फिर तो प्रचारकों नू भी जुबान ते कंट्रोल करना चाहिए, नहीं सुनानी चाहिए, तो सानू भी पढ़ के अगे उहदा प्रचार ते प्रसार नहीं करना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी के अंदर एक पंक्ति आउंदी भी गुरु सिख सिख गुरु है एको गुरु उपदेश चलाए। गुरु ने कुछ भी ऐसा लकाया नहीं भी जो सिख की झोली विच पाया ना हो। और इहदी एग्जाम्पल, इहदी उदाहरण गुर इतिहास विचों ही मिलती है। बाबा लहना जी नूं, भाई लहना जी नूं चुकिया ते उन्हां नूं अपने बराबर लिया के गुरगद्दी बख्श दित्ती। पिछे रह गए ने दोवें भरा श्री चंद ते लखमीदास। बाबा अमरदास जी जिन्हां नूं लोक कहिंदे सन अमरू नथावां है, उन्हां नूं चुकिया, उन्हां दे अंदर वो योगता भरी, योगता पैदा कीती, या इस तरह कह लो वो इस योग बने कि गुरगद्दी ते सुभायमान हो गए। गुरु अंगद साहब जी दे दोवें साहिबजादे पिछे रह गए, बाबा दातू जी बाबा दासू जी दोवें पिछे रह गए। जे किकरां तो मठियाई चढ़न वाली गल मन लईए ते जिहड़े तीन मुढ़ले सिधांत ने गुरु नानक साहब जी ने साडी झोली दे अंदर पाए ने, बख्शे ने, वह है किरत करनी, नाम जपना ते वंड छकना। अच्छा, नंबर एक दे उत्ते किरत करन दा सिधांत इत्थे खत्म हो जांदा है, क्योंकि जो भी असी नौकरी करते हैं, पेशा करते हैं, धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, छोटा वड्डा आडंबर करते हैं, वो सारे का सारा मेन मुद्दा की है रोटी वास्ते। कहने भी हैं भी दो रोटियां खानियां ने, भावें रोटी के पर्दे के हेठ पिछे बहुत कुछ है, खैर एक विशा वखरा है, भी मेन मुद्दा की है रोटी। तो जे रोटी का मसला साडा इस तरह हल हुंदा है भी किसी भी रुख नूं हिला लिया जाए, किकरां नूं हिला लिया जाए, रोटी चढ़ जाती है, आपां खा सकने हैं, तो फिर ये तमाम फैलाव की लोड़ की है, तो फिर ये तरक्की दे राह सारे बंद नहीं होणगे, सारे जिन्ने तरक्की दे राह ने रुक नहीं जाणगे, फिर कौन नवीं नवीं खोजां खोजेगा, ये सुख दे साधन सुख दीआं सहूलतां साडी झोली पाएगा। जे बंदा रोटी का मसला हल हुंदा है रुखां दे नाल जुड़न करके मसला हल हो गया, फिर तो यही कहना चाहिए हे पातशाह भी नाम जपो, क्योंकि वंड छकन का सिद्धांत भी इतने मुक जाता है, खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जे तुसी किकर तो मठियाई झाड़ सकते हैं तो जिन्हों तुसी झाड़ के अगे डिलीवर करना है, जिन्हों के अंदर वंडना है, उन्होंने भी तो फिर गुरु की सिक्ख्या मिल ही सकती है ना, वह भी किकर झाड़ लैणगे, किसी रुख दरख्त झाड़ लैणगे, भोजन डिग जाया करेगा, वह खा लिया करे, फिर इकला ही रह जाता है नाम जपना। पर पातशाह ने यह नहीं कहा भी इकला नाम जपो, उन्होंने सब तो पहला क्या है किरत करो, उस तो बाद नाम जपो, मतलब वो गुण धारण करो, तो नंबर तीन के उत्ते जो कमा रहे हो वो विचों वंड के भी छको। इस तो अगे चलना है, दोबारा रिपीट करदा कि गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह की मुकम्मल बाणी साडे लई मेन है, उस तो सज्जे खब्बे किधरे भी जाइए वो गल्लां दुरुस्त हो सकदियां ने, ना दुरुस्त हो सकदियां ने, पर गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी तो है ही दुरुस्त। गुरु नानक साहिब जी की अपनी बाणी जिन्हां दे नाल किकरां तो मठियाई झाड़न दा ये जुड़दा है विशा, ये गलबात जोड़ी गई, किहदे वल्लों जोड़ी गई, क्यों जोड़ी गई, किहड़ी साजिश करके जोड़ी गई, जिन्हों साडे भोले प्रचारक भी अगे दी अगे प्रचार करी जा रहे ने। गुरु नानक साहब जी की अपनी बाणी 19 रागां दे अंदर सुभायमान है गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर। वो कितरे भी एक पंक्ति दे अंदर ऐसा बचन पातशाह ने नहीं बख्शिया बे सिखो तुहाडी मनो
स्थिति इस तरह की बन जाए, तुहाडा अंदर इस तरह का बन जाए, तुसीं अंदरों इन्ने उच्चे हो जाओ तो फिर किसी रुख नूं जफा पायो, रुख हिलायो तो फिर मन चाहुंदे फल डिगणगे, मन चाहुंदे भोजन डिगणगे, तुसीं लोकां दे अंदर वंड सकदे हो। तो जे ये गल सही है तो फिर दसवंध की प्रथा भी इत्थे तकरीबन खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि फिर तो रुखां तों झाड़ो, लोगों को डिलीवर करी जाओ, दसवंध की भी लोड़ नहीं है। खैर, ना तो गुरु नानक साहब जी ने बाणी के अंदर ऐसा बचन फरमाया, ना बाकी गुरु साहबाना ने जिन्हों की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर दर्ज है उन्होंने ऐसा बचन फरमाया, ना भगत साहबाना ने जिन्हों की बाणी दर्ज है ना उन्होंने ऐसा बचन फरमाया। चलो होर गल छो, भाई साहब भाई गुरदास साहब दारा भी ऐसा जिक्र नहीं मिलता, भाई नंद लाल साहब जी दज़लों भी ऐसा जिक्र नहीं मिलता। इन्हों तो छुट सज्जे खब्बे के जोड़े लिखारी ने, इतिहास के लिखारी ने या कविता के लिखारी ने, उन्हां दी गल नूं बहुता तरजीह नहीं दिती जा सकती। हाँ, दिती जा सकती है, पर सिर्फ उन्हां गल्लां नूं, उन्हां लिखतां नूं, उन्हां बोलण वालियां बोलां नूं जिन्हां नूं गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी रिकमेंड करदी है, तां ही आपां मन्नांगे ना, वरना नहीं। खैर, मैं एक लॉजिक तुहाडे सामने रखना, सोचना तुसीं है, ईमानदारी दे नाल सुनना है, ईमानदारी दे नाल दयानतदारी दे नाल समझना है, तो फिर गुरबाणी नूं पढ़ लियो, विचार लियो तो सोच लियो कि झूठ है या गलत है। एक पासे असीं इह कहिंदे आ वी गुरु नानक साहब जी ने किकरां नूं हलाया, भाई लहणा जी नूं हुक्म होया, मुसीबत किन्नी, अच्छा थोड़ी जी मुसीबत वी करतारपुर साहब संगत आई, संगत ने लंगर छकना सी, लंगर वाले भांडे मस्ताने सन, आटा दाल कुछ नहीं सी, ते पातशाह ने आवाज़ दी भाई लहने नूं भी लहने किकर नूं हला, मिठाई चढ़ेगी, संगत नूं छका दिंदे आ, आटे दे बारे सवेरे सोच लिया जाएगा। एक पासे ये गल, दूसरे पासे ये मुसीबत किन्नी हुण छोटी जी, भी थोड़ी संगत आई है उन्हां नूं प्रशादा छकाउणा, एक डंग दा नाम ही मिले तां भी गुजारा हो सकता है, और सिख करदे भी रहे, गरीबी दे अंदर भी लोग कर लैंदे ने। खैर, एक पासे तो गुरु साहब जी किकर नूं हला के मिठाई चाड़न की गल करते हैं, दूजे पासे गुरु साहब जी ये गल नहीं करते, फिर गल दुविधा के अंदर नहीं जाती भी ऐसा क्यों? क्योंकि गुरु नानक साहब जी तो लैके जोत जुगत तो ही चलती आ रही है, दसवें पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह तक, और किधरे ऐसा नहीं होया भी गुरु नानक साहब जी के सिद्धांत नूं गुरु अंगद साहब जी ने कट्टिया होवे, गुरु अंगद साहब के सिद्धांत नूं गुरु अमरदास जी ने कट्टिया होवे, या इन्हां गुरु साहिबाना के सिद्धांत नूं गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने कट्टिया होवे, ऐसा नहीं मिलता। तो जे ये सिद्धांत है तो फिर गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने सिद्धांत अपनाया क्यों ना? क्यों सिख कलपते रहे, विलकते रहे, भुख के नाल लड़ते रहे, घोड़े मार मार के खाते रहे, और रुखां के पत्ते तक खाते रहे? मैं गल उस वक्त की करदा जदों आनंदपुर साहब नूं घेरा पिया रहा है, और छे महीने का घेरा पिया रहा, कहिंदे ने मुगलां ने ते पहाड़ी फौजां ने इन्ने रस्ते नाके बंद कर दिते भी कोई बाहरों राशन लै के अंदर तक जाए ही ना, ते जदों किले दे अंदर राशन नहीं जाएगा दुखी होणगे, थोड़े दिनां दे बाद किला खाली कर देणगे, असीं पातशाह नूं जिउंदिआं नूं फड़ लांगे। ये उन्हां दी तमन्ना सी, मुगलां दी तमन्ना सी, पहाड़ियां दी ये लोचा सी, उह लोचा पूरी नहीं होई। खैर, ये गल एक वक्खरी है। मैं ये गल कह रहा भी जदों घेरा पै गया तो कहिंदे ने भी घोड़े भी मार मार के खाने पए, कहिंदे ने भी रुखां दे पत्ते झाड़ झाड़ के भी सिखाने खाधे पेट की भुख नूं शांत करन वास्ते, फिर ये फार्मूला उत्थे पातशाह नूं चेते क्यों ना आया? गुरु गोबिंद सिंह ने रुखां नूं हलाउण दी गल क्यों ना कही? अज भी रुख बड़े ने, उदों तो होर ज़्यादा सन, अज तो बहुत थाई रुखां नूं कटा दिता गया है, वढ दिता गया है, जमीना पद्धरियां करन लई जां उन्हां दे अंदर अनाज पैदा करन लई जिहड़ा चंगा तो नहीं होया, पर चलो एक विशा वक्खरा है। खैर, रुख बड़े से आनंदपुर साहब के अंदर, वैसे भी पहाड़ी एरिया है तो पहाड़ी एरिए के अंदर वैसे भी रुख ज़्यादा ही होया करते हैं मैदानी इलाके दे नालों, पर गुरु गोबिंद सिंह नूं इह सिद्धांत भी चेते ना आया, फार्मूला भी चेते ना आया, उन्होंने रुख क्यों ना लाए? बड़े सिख ने व्याकुल हुंदे ने, दुखी हुंदे ने, ते उत्थों फिर आनंदपुर साहब का किला भी खाली करना पैंदा। अच्छा, एक नुकता होर नोट करियो, जे किधरे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह रुखां नूं हिला के भोजन का इंतजाम कर लेंदे, ये तो होर एक बड़ा डूंगा असर छड़दा सी। पता कि
ਇਹ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਵੀ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਮੇਤ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਅਨਾਜ ਅੰਦਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੂਈਏ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਦੀ ਖਬਰ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਈਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਸੂਹ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਖਬਰੀਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਬਈ ਕਿਉਂ? ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਥਿਊਰੀ ਫਾਰ ਮੁੱਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੜ ਲਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਸਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੌੜਨਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਭੱਜਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਵੈਰਾਗੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਏ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਤੁਰੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਦੇੜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੋਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਹੋਰ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸਿਆਂ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿਆਂ ਤੂੰ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਝੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਂ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਟਾਲੀਆਂ ਕਿੱਕਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਲਿਆ ਕਰੀਂ, ਰੋਟੀ ਝੜ ਜਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਲਿਆ ਕਰੀਂ, ਬਸ ਤੂੰ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਨਾਮਵਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਉਸ ਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਦੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਈ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਉਲਟਾ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਗਏ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ, ਜਮਨਾ ਗਏ ਅਤੇ ਜਮਨਾ ਦਾਸ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਫਲਾਸਫੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਨੇ। ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਭਰਮ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣਗੇ, ਭਰਮ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।